चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी नोटिफिकेशंस। हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इको माइक मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सतिंदर सरताज इसमें मेन लीडिंग रोल में है और आदिति शर्मा आपको दिखाई देंगी। पंकज वर्मा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और इस मूवी की क्या रिपोर्ट रही है पहले दिन की, क्या मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया है या मूवी फ्लैट रही है बॉक्स ऑफिस में, रिव्यूज़ कैसे मिले हैं, चलिए आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूँ। मूवी के बारे में बात करूँ, रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं, लोगों ने पसंद किया है मूवी को। अभी देखना होगा मासिस पसंद करती है नहीं, क्योंकि मासिस के लिए एक दूसरी मूवी भी रिलीज़ हुई है, चल मेरा पूत, जो कि एक प्रॉपर कॉमेडी एंटरटेनमेंट वाली मूवी है। सुपरस्टार अमरिंदर गिल इस मूवी में मेन लीडिंग रोल में है। तो दोनों मूवी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मूवी भी, यानी कि इको माइक मूवी भी अपनी जगह बना ही लेगी, क्योंकि रिव्यूज़ पॉजिटिव मिले हैं। तो लंबे समय में, यानी कि एक वीक, दो वीक, तीन वीक में थोड़ा 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 कलेक्शन करते करते कहीं ना कहीं ये भी अपने हिट के मार्केट में आ जाएगी। लेकिन पहले दिन की बात करूँ तो मूवी ने देखते हुए कोरोना वायरस, देखते हुए चल मेरा पूत 2, देखते हुए बारिश और बच्चों का एग्ज़ाम, मूवी ने सुपर्ब कलेक्शन किया है। यहाँ दोस्तों ओवरसीज़ में जिस मूवी का कलेक्शन रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इंडिया में भी एक अच्छा कलेक्शन है। पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन काउंट की और बजट की। इस मूवी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 करोड़ के आसपास का बजट मूवी का बताया जा रहा है। ये मूवी सिंपल स्टोरी है, कोई ऐसा नहीं कि इस मूवी को बड़े बड़े विजुअल की ज़रूरत थी, इसमें कोई बड़े एक्शन सीन्स की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर मैं बात करूँ मूवी के स्क्रीन काउंट की, तो इसको ऑल ओवर इंडिया में 150 के आसपास स्क्रीन्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं है, एक एवरेज स्क्रीन काउंट है। अब कलेक्शन की मैं बात करूँ तो पहले दिन में मूवी का इंडिया में कलेक्शन जो रहा है वो लगभग लगभग 40 लाख के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 40 लाख के आसपास कलेक्शन है, और जिस तरह से मूवी का जो एवरेज स्टार्ट था उससे थोड़ा स्टार्ट ज़्यादा है, थोड़ा स्टार्ट अच्छा स्टार्ट है। अभी देखते हैं कि इसका इंक्रीज़ होगा कलेक्शन या नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कहा चल मेरा पूत 2 मूवी जो है वो बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ उसने लिए हैं। पहले दिन में चल मेरा पूत की कलेक्शन बम्पर ओपनिंग है और लोग उस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इस मूवी पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं तो पहले दिन में मूवी ने वर्ल्ड वाइड में अराउंड 1 करोड़ का कलेक्शन किया है। आप सोच रहे होंगे कलेक्शन बहुत कम है, नहीं बहुत कम नहीं है, एवरेज कलेक्शन है, अच्छा कलेक्शन नहीं कह सकते, एवरेज कलेक्शन है। अब क्योंकि हिट होने के लिए कम से कम इस मूवी को इंडिया में नेट कलेक्शन करना पड़ेगा 4 से 5 करोड़ इंडिया में करना पड़ेगा, और उतने कलेक्शन करने के लिए कम से कम अभी मूवी को ग्रोथ लेनी पड़ेगी और अच्छी खासी ग्रोथ लेनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ मूवी के कलेक्शन की सेकंड डे की ऑक्युपेंसी की, सेकंड डे की तो मॉर्निंग में जो मूवी की ऑक्युपेंसी रही है दूसरे दिन में वो है 6 से 7%। कल जो ऑक्युपेंसी थी वो 4 से 5% के आसपास थी, उससे थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला, क्योंकि आज सैटरडे भी है तो हाफ डे हॉलीडे भी होता, तो उसका भी थोड़ा इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है। अगर मैं आपसे बात करूँ मूवी के आफ्टरनून की, तो मूवी कहीं ना कहीं 10 करोड़ के आसपास की ऑक्युपेंसी ले सकती है, 8 से 10 करोड़। अब बात करते हैं कलेक्शन की, तो दूसरे दिन मूवी का कलेक्शन में हमें थोड़ा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अगर मूवी इंडिया में 50 लाख का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा लगभग लगभग 90 लाख के आसपास, ये मैं ग्रॉस कलेक्शन बता रहा हूँ 90 लाख, तो इसका नेट होगा लगभग लगभग 70 लाख के आसपास। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मूवी अराउंड फिगर्स में देखें तो 2 करोड़ 20 लाख के आसपास ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर जाएगी। जैसे मुझे ऑफिशियल फिगर्स पता चलते हैं तो वो मैं आप तक ज़रूर बताऊँगा। वैसे आपको क्या कहना मूवी के बारे में, कलेक्शन के बारे में, और अगर आपने ये मूवी देख ली तो आपको ये मूवी पसंद आई या नहीं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।